अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ बर्स्ट मार्गरिटा पिज़्ज़ा, जिसे बनाने के लिए एक बोल ले लिया है। इसमें हाफ कप हम गुनगुना पानी डालेंगे, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। पाव चम्मच नमक ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून शक्कर ऐड कर देंगे। शक्कर को डिसॉल्व कर लेना है अच्छे तरीके से। अब इसमें ईस्ट ऐड करेंगे, 2 टीस्पून ईस्ट ऐड किया है, भर के लिया है 2 टीस्पून मैंने इसमें, और इसको मिक्स कर लेना है। इसलिए इसमें हमने गर्म पानी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम ईस्ट को पहले राइस करने वाले हैं। इसको कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए ताकि ईस्ट हमारी राइस हो जाए। देखिए ईस्ट हमारी अच्छे से राइज हो चुकी है। अगर आपकी ईस्ट राइज नहीं हो रही है, बहुत पुरानी है, तो आप उसको यूज़ मत कीजिए, वरना आपका पिज़्ज़ा ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। अब इसमें हम आटा डाल देंगे। मैदे का आटा लिया है मैंने, 2 कप्स आटा लिया है, 2 कप आटा इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको गूंदना है, हमें सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करना है। पानी का यूज़ करते हुए हम इसका डो गूंद लेंगे। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालती हूँ वो आपको दिख पाएगी। तो डो हमारा गूंद कर रेडी हो चुका है। इसको कवर कर दे, कोई भी ढक्कन वगैरह से भी आप इसको जब कवर कर सकते हैं। इसको 1.25 घंटे के लिए रख देना है राइज होने के लिए। तो देखिए डो हमारा राइज हो चुका है। अब हम इस पर जो सूखा आटा होता है वो लगा लेंगे। सूखा आटा लगा के हमें इसको थोड़ा सा मलना है हाथों से, ताकि ड्राई हो जाए, चिपचिपा सा ना रहे। तो ये पिज़्ज़े का जो आटा है हमारा ब्रेड का, वो बनकर रेडी हो चुका है। अब बेकिंग ट्रे ले लेंगे, इसको बटर या फिर ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इसके ऊपर हमें आटे को रख देना है और पिज़्ज़े की ब्रेड को बना लेना है। आप चाहे तो रोल भी करके बना सकते हैं या हाथों से भी बना सकते हैं। तो हाथों की मदद से इसको हम शेप दे देंगे पिज़्ज़ा ब्रेड की। पिज़्ज़ा ब्रेड की शेप मैंने दे दी है। अब 1 टीस्पून इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे हम। आप चाहे तो फोक की मदद से इसमें छेद भी कर सकते हैं ब्रेड में, ताकि ब्रेड फूले ना, बट मैंने नहीं किया है। पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा सा खट्टा होता है, इस वजह से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसमें हम टोमेटो केचप भी स्प्रेड करेंगे, इससे बैलेंस हो जाएगा टेस्ट इसका। अब 1 टीस्पून टोमेटो केचप डालेंगे इसमें। बहुत ही प्लेन और मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। आपने तो बहुत बार खाया ही होगा। हम डोमिनोज स्टाइल चीज़ बर्स्ट मार्गरिटा पिज़्ज़ा बना रहे हैं। अब इस पर हम चीज़ डाल देंगे, मोज़रेला चीज़ डालना है। चीज़ हमें इसमें बहुत ज़्यादा डालना है क्योंकि हम चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो उसमें चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। चीज़ को अच्छी तरीके से हम फैला लेंगे। तो देखिए चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें डाला है। आप चाहे तो इसमें वेजेस भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बट जो मार्गरिटा पिज़्ज़ा होता है वो इसी तरीके से बनता है। अब इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे और ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। प्री हीट कर लिया है ओवन को मैंने 180 टेम्परेचर पे 20 मिनट्स के लिए। अच्छे से पहले ओवन को आप गरम कर ले। अब ओवन गरम हो जाए तब हम पिज़्ज़े को डाल देंगे ओवन में, और 25 मिनट्स के लिए 180 टेम्परेचर पर इसको हम बेक कर लेंगे। तो ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है, बहुत गरम है, इसलिए केयरफुली आपको इसको निकालना है। अब इसको हम पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे कट करने से आपको पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट और चीज़ी हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है।
तो पिज्जे को मैंने कट कर लिया है, एक पीस मैं आपको उठाकर दिखाऊंगी। देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारा पिज्ज़ा, अच्छे से अंदर से भी बेक हो चुका है और बैक साइड से भी जला नहीं है, अच्छे से बनकर निकला है हमारा पिज़्ज़ा। तो हमारा मज़ेदार सा चीज़ बर्स्ट मार्गरिटा पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।